मुझे काफ़ी एवरेज लगी, बहुत ही स्टीरियोटिपिकल। मैंने काफ़ी उम्मीद की थी कि कार्तिक आर्यन थे, जिससे इससे पहले मैंने प्यार का पंचनामा दो बार देखी, दो पांच और सोनू की टीटू की स्वीटी, तो काफ़ी उनसे अपेक्षा थी। बट बहुत ही स्टीरियोटिपिकल रोमांटिक स्टोरी लगी, और अच्छी हो सकती थी, बट स्टिल वन टाइम वॉच। मूवी अच्छी है, लेकिन ये कहूंगा कि नया कुछ नहीं है, मतलब हम पहले भी देख चुके हैं गोविंदा की फिल्मों में। बाकी हाँ, थोड़ा सा लेटेस्ट तड़का मार के उसको फिर से एक बार लेके आए। कार्तिक आर्यन तो जो जिस फॉर्म में खेलते हैं वो उसी में, मतलब ये प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आप पहले के उनके मोनोलॉग देखेंगे तो वैसे ही है। और बाकी भूमि पेडनेकर अच्छा काम कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू मूवीज आ रही है उनकी, और अनन्या भी अभी धीरे धीरे आ जाएंगे अच्छे से। अच्छी लगी बाकी, ठीक ठाक। मूवी बहुत अच्छी है। अगर मैं ये बात करूँ कि कार्तिक आर्यन हमेशा से जो उनका कॉमेडी जोनर रहा है वो आज तक बरकरार है, थिएटर में आपको गुदगुदाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। मूवी बहुत सुपर थी और मुझे लगता है कि सभी को देखना चाहिए, और कार्तिक आर्यन का काम सुपर था। मूवी ओवरऑल अच्छा था, मूवी काफ़ी काम हुआ है, बट काफ़ी काम हुआ है। बाकी अनन्या पांडे के बारे में बोलना चाहूँगा तो अभी सेकंड फिल्म थी, काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। बाकी कार्तिक आर्यन की अच्छी एक्टिंग थी, भूमि पेडनेकर काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस है तो अच्छी एक्टिंग थी, ओवरऑल डायरेक्शन भी ठीक ठाक था। So, 5 स्टार में से मैं देना चाहूंगा 3 स्टार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।